विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अतूट एक निष्ठ विश्वास है, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 48 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में अपने भाषण में परिवार जनों शब्द बोला है। उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण जैसे शब्द को भी अपनी स्पीच में जगह दी। दरअसल मौका था स्वतंत्रता दिवस का, जगह थी दिल्ली का लाल किला। 10वीं बार देश के वजीर आजम यानी नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टिकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। अमूमन पीएम मोदी अपने भाषण में भाइयों और बहनों बोलते हैं, पर 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किले से देश को संबोधित किया तो उनके भाषण से ये दोनों शब्द गायब थे। उन्होंने नया शब्द इजाद किया, परिवारजनों। उन्होंने अपनी स्पीच में विपक्ष को बड़ा मैसेज भी दे दिया। मेरा अतूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अतूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है। ये शब्द बताएं उससे पहले ये जानिए कि पीएम मोदी की पगड़ी में क्या खास था। दरअसल देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी कई रंगों की पगड़ी पहनकर लाल किला पहुंचे। इस पगड़ी को राजस्थानी बताया गया, जिसे अब लोग राजस्थान के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में परिवारजनों शब्द को शामिल किया। मोदी के ऐसा करने की वजह उनके खिलाफ बने इंडिया महागठबंधन है। दरअसल एनडीए के खिलाफ विपक्ष में दिग्गज पार्टियां हैं, जिन्हें बीजेपी का सत्ता में रहना फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। विपक्ष ने चुनाव से पहले महागठबंधन का नाम इंडिया रखकर ही बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की, जिसमें ये कुछ बहुत सफल भी हुए। अगर हम अतीत में जाएंगे तो पाएंगे महागठबंधन का नाम इंडिया रखने पर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई थी। अब मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में 48 बार परिवारजनों कहकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहकर साफ कर दिया कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, यानी देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने अपना परिवार ही बता दिया है। इसे सुनने के बाद विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है। मोदी ने विपक्ष को दूसरा झटका तब दिया जब उन्होंने ये कह दिया कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले की प्राचीर से मैं देश की उपलब्धियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन की आवाज मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया,
और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। यानी पीएम ने मान लिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आएगी तो बीजेपी ही। जब मोदी लाल किले से ये सब कह रहे थे तभी कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ जाता है। उन्होंने मोदी के अगले 15 अगस्त को संबोधित करने वाले बयान पर काउंटर करते हुए ये कह दिया कि वो अगले साल झंडा फहराएंगे लेकिन अपने घर पर। वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे अपने घर के ऊपर फैलाएंगे वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात सच हो गई और बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई तो राहुल गांधी का क्या होगा? क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? उम्र के लिहाज से अगर बात करें तो राहुल गांधी 53 साल के हो गए हैं। उन्हें 5 साल और इंतजार करना पड़ा तो वो 58 साल के हो जाएंगे। यानी कांग्रेस भविष्य में पीएम के फेस के लिए प्रियंका गांधी की ओर भी देख सकती है।